हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बनास फिनांस लिमिटेड की। इस कंपनी का राइट इशू आया है बनास फिनांस लिमिटेड का, जो आप देख सकते हैं राइट इशू का जो यहां पे आपको डेट देखने को मिल रहा है कि बनास फिनांस राइट इशू 2024 डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसका राइट इशू का 20 रुपया अभी के टाइम पे इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। 11% की तेजी आज के डेट में भी देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन इसकी जो प्राइस रखा गया है बेसिकली बहुत कम, 10 रुपया इशू प्राइस रखा गया है राइट इशू का। जो यहाँ पे आपको पता है कि बनास फिनांस जो 1983 से ये कंपनी चलती आ रही है, नॉन बैंकिंग फिनांशियल कंपनी है, जो यहाँ पे इंगेज होती है बिजनेस परचेज लीजिंग एंड फैक्टरिंग इंस्टॉलमेंट फिनांसिंग लीजिंग ऑफ ऑल टाइप मशीनरी इक्विपमेंट मोटर व्हीकल्स मोटर बोट्स, ये सब सारी चीज़ों से रिलेटेड आप देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट मोटर, ये सब सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे एक तरह से फिनांसिंग करती हुई नज़र आती है कंपनी। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें बनास फिनांस लिमिटेड की, तो यहाँ पे राइट इशू में जो इनकी एक तरह से इशू ओपन डेट तो नहीं दिया गया है, लेकिन लास्ट यहाँ पे बाइंग डेट आज का डेट है 25 अप्रैल 2024 तक ही आप इसको बाय करके चलेंगे तभी आपको यहाँ पे राइट इशू इसका मिलेगा। रिकॉर्ड डेट 26 अप्रैल 2024 का रखा गया है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी का 48 करोड़ का इशू साइज है, 48 करोड़ 5 लाख का, और यहाँ पे 10 रुपया पर शेयर की फेस वैल्यू है इसकी और 10 रुपया से इशू प्राइस भी रखा गया है। यानी मतलब आपको डबल का प्रॉफिट यहाँ पे ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि 20 रुपया का शेयर है और यहाँ पे 10 रुपये में आपको शेयर दे रही है कंपनी। इसके साथ साथ अगर हम देखें एक शेयर पे एक शेयर आपको राइट इशू दिया जा रहा है, मतलब जितने भी शेयर होंगे उस पर एक शेयर राइट इशू अप्लाई करने के लिए कंपनी आपको पे करेगी। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो यहाँ पे कंपनी के अंदर जो राइट इशू अप्लाई करने का तरीका कि क्या होगा, कई सारे लोगों का माइंड में ये सवाल हमेशा रहता है कि राइट इशू कैसे अप्लाई करें, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि राइट इशू अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे SBA के द्वारा या नेट बैंकिंग प्रोसेस जो यहाँ पर कहें, तो यहाँ पर एक तरह से जो लार्ज बैंक होती है वो ये सारी सर्विस प्रोवाइड करती हुई नज़र आती है, जैसे कि एक्सिस, HDFC, ICICI, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब सारे एक तरह से IPO सर्विसेज। और राइट इशू अप्लाई करने की बात करें तो ये सब सारे चीज़ें प्रोवाइड करती है। आपको ब्रोकरेज अकाउंट ऑनलाइन पे गो करना है, SBA सर्विसेज ऑप्शंस पे जाना है और वहाँ पे ये सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे राइट इशू ऑप्शन अवेलेबल होगा और उसके बाद आपको फॉर्म फिल करके उसको सबमिट करना होता है। दोस्तों टर्म एंड कंडीशन चेक करना होगा, आपके अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस होनी चाहिए और उसके बाद प्रोसेस आप कर सकते हैं आगे, तो आपका अमाउंट होगा जो ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरह से IPO आप अप्लाई करते हैं इसके जरिए, उस इस तरीके से आप IPO जैसे अप्लाई करते हैं उसी तरीके से इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। वह RTA द्वारा भी किया जाता है, के फिन टेक की अगर हम बात कर लें या कैम्प्स की बात कर लें तो इसके द्वारा भी यहाँ पे IPO भी अप्लाई किया जाता है और साथ में यहाँ पे राइट इशू भी। तो rights.kfintech.com पे जाइएगा, वहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कि किसका किसका IPO यहाँ पे ओपन है, किसका एक तरह से राइट इशू ओपन है। तो राइट इशू पे अलग जगह पे हम kfintech पे गए तो देखिए मिस्टान और शिवा सीमेंट का भी यहाँ पे राइट इशू ओपन है और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं गो करके, किसी पे आप गो क्लिक करिए और ये सारी चीज़ें आप अपना सेलेक्ट करिए, फॉर्म भरिए, जो भी करना है ये सारी चीज़ें डिटेल्स भरिएगा, उसके बाद आप यहाँ से IPO अप्लाई कर सकते हैं प्लस साथ में यहाँ पे राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट इशू का मैंने ये ओपन कर रखा है, IPO वाला ओपन नहीं कर रखा है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी राइट इशू क्यों लाती है, जो आपको पता है कि इंस्टेंट वे में यहाँ पे फंड रेज करती हुई नजर आती है यहाँ पे राइट इशू के जरिए, तो यहाँ पे बनास फिनांस भी यहाँ पे फंड रेज कर रही है जिससे यहाँ पे इन्वेस्टर को भी फायदा होगा और यहाँ पे कंपनी भी अपना फंड रेज करती हुई नजर आएगी। दोस्तों अभी और जो इनुमरेशन डेट की बात कर लें या क्रेडिट डेट की बात कर लें, लिस्टिंग डेट की बात करें राइट इशू का, तो वो अभी डेट अपडेट नहीं आया, जैसे आता है अपडेट मैं आपको अपडेट करूँगा अपने चैनल पर। तो यहाँ पे चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। लेकिन किसी भी प्रकार का बाय एंड सेल का किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं होगा दोस्तों।